HBN न्यूज, जो सच वही खबर। जलाराम ट्रस्ट ने अप्रवासी द्वारा उठाए गए कदमों की देखभाल की। हमारी HBN न्यूज मीडिया टीम जलाराम सेवा ट्रस्ट हिम्मतनगर पहुंची और देखा तो मालूम हुआ कि जलाराम सेवा ट्रस्ट समग्र विश्व में किसी भी जगह पर जो पागल लोग घूमते हैं, आपने देखा होगा, जिसकी परिभाषा मानसिक दिव्यांग तरीके से पहचाना जाता है। कोई भी अलगारे साधु की तरह शहर में और गांव में भटकते, रास्ते में घूमते और कचरे की खड़ेमे में पड़े रहकर कचरे खाते मानसिक अस्थिर मगज वाले इंसान को हमारे समाज के लोग पागल समझते हैं और कई लोग पागल समझ कर भटकने देते हैं। लेकिन आपने कभी यह सोचा कि उनको खाना कौन देता है और उनके जीवन की प्राथमिक सुविधा कौन उनकी पूरी करेगा, और कभी रास्ते में और फुटपाथ पे पड़े रही कभी बीमारी हो तो उनके इलाज कौन करता होगा, और जब उनके अंतिम श्वास होगा तो उनको अग्निदाह कौन करेगा। लेकिन मीडिया वहाँ जा पहुँची तो मालूम किया कि जय जलाराम सेवा ट्रस्ट के जेठा काका नित्य क्रम मुजब एक दिन जब वह सरकारी नौकरी जा रहे थे, तब रास्ते में कचरे के ठगले पे बैठे हुए एक पागल इंसान कचरा खा रहा था। उनके देखते ही जेठा काका ने दुकान में जाकर नाश्ता दिया तो पागल इंसान को एक ही श्वास में नाश्ता झड़प से खा लिया। वो देखकर जेठा काका सोच में पड़ गए कि ये इंसान कितने दिनों से भूखा होगा, और उसी वक्त उन्होंने मानसिक दिव्यांग के इंसानों के लिए सेवा करने की तमन्ना जाग उठी और उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी खुद की प्रॉपर्टी बेचकर जय जलाराम सेवा ट्रस्ट नाम की संस्था चालू की, जिसने मानसिक दिव्यांग की सेवा करने की शुरुआत की। पिछले 7 सालों से भटकते पागलों को अपने आश्रम में लाकर नहाने के बाद कपड़ा बदला कर भोजन करवाया जाता है और उनका इलाज करके उनके परिवार को सौंप दिया जाता है। जेठा काका मानसिक दिव्यांग की सेवा करके अपने आप को धन्य मानते हैं। साबरकांठा से भूद्रा हर्षित कुमार की रिपोर्ट। गांव के हालात से लेकर किसानों के भरोसे तक, गांव के विकास से लेकर खेतों की खुशबू तक, गांव के प्रधानों से करेंगे बात, गांव गांव तक पहुंचेंगे हम, हर खबर दिखाएंगे हम, हकीकत गांव की। जल्द आ रहा है HBN न्यूज पर।